दोस्तों अगर आप मुंबई में रहते हो तो ये वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला कि एक प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि आप खुद का घर बनाना आज की तारीख में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे बजट में घर ले सकते हो, और एक वेस्टर्न लाइन में एक ऐसा एरिया है जो डेवलप नहीं है और डेवलपिंग प्रोसेस में है, तो आज मैं उसके कुछ रीजन बताऊँ क्यों आप उस एरिया में लेना चाहिए। इसी के साथ ही साथ आपको बजट होम्स के बारे में भी थोड़ी बहुत अपडेट मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए और शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात कुछ ऐसे है कि अगर आप ध्यान दोगे कि वेस्टर्न लाइन में जो है, मतलब वेस्टर्न लाइन शुरू होती है विरार से लेके चर्चगेट तक, पूरा का पूरा लाइन, पूरी वेस्टर्न लाइन डेवलप्ड हो चुकी है। मतलब आप कहीं पे प्रॉपर्टी लेने जाओ तो वहाँ पे प्राइसिंग 50 लाख के ऊपर है। मतलब 50 लाख रुपए आज की तारीख में बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, बहुत बड़ी कीमत है, आसानी से चुकाई नहीं जा सकती अगर आप स्पेशली जॉब कर रहे हो या फिर छोटा मोटा बिजनेस है। लेकिन अगर आपको घर भी लेना है इसी के साथ साथ, तो बहुत सारे टेंशन होती है कि कौन सा घर ले, सस्ते में कहाँ पे मिले, बजट में कहाँ पे मिले, और स्पेशली अगर आपको वेस्टर्न लाइन में ही लेना है तब तो बहुत बड़ा टेंशन है कि वेस्टर्न लाइन में तो सारे जितने भी प्रॉपर्टी है काफ़ी महंगे चल रहे। तो यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिफाई किया, जो मैंने रिसर्च किया हुआ है कि यहाँ पर एक एरिया है जो भाईंदर के आगे वाला स्टेशन है जिसका नाम है नायगांव। नायगांव स्टेशन एक ऐसा एरिया मैं आपको बोलूँगा कि जहाँ पर अभी भी मतलब काफी कुछ डेवलप हो रहा है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, टावर बन चुके हैं और काफी कुछ डेवलप हो रहा है, और काफी सारी बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल गया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का मतलब है कि वहां पे जो बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट के हिसाब से बनी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनी है, उनको कभी भी डिमोलिश नहीं किया जा सकता। तो यहां पर वो एरिया बहुत काफी डेवलपिंग प्रोसेस में है और बहुत अच्छे अच्छे टावर्स भी बन रहे हैं। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि वो एरिया काफी डेवलप हो रहा है, तो अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो घर लेने का तो वो एरिया एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। और यहां पर मैंने मेजर रीजन फाइंड आउट किए कि किस लिए आपको उस एरिया में घर लेना चाहिए या फिर उस एरिया को ही क्यों कंसीडर करना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि आपको बजट में मिल रहा है। मतलब बजट बोलूं तो यहां पे आपको अगर 20 लाख से 25 लाख के अंदर आपको कोई घर मिल रहा है तो फिर इसमें कौन सी बुरी बात है यार। आप आज की तारीख में हर कोई चाहता है कि अपना घर बनाए, लेकिन घर बनाना इतना आसान नहीं है, स्पेशली मुंबई में। तो अगर आप मुंबई के और ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर इस बात को ध्यान में रखिए कि आज की तारीख में घर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहां पर बजट में आपको घर मिल रहा है, इसी के साथ साथ जितने भी बिल्डिंग्स है वहां पर टावर बने हुए हैं। मतलब टावर समझ रहे हो, मतलब 14 फ्लोर की बिल्डिंग है, 18 महले की बिल्डिंग है, 22 महले की बिल्डिंग है। तो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे टावर्स बजट में मिल रहे हैं। इसी के साथ ही साथ आपको एमिनिटीज, मॉडर्न एमिनिटीज मिल रही है उस एरिया में। वो जितने भी बिल्डिंग है, जितने भी टावर है, सब में आपको मॉडर्न एमिनिटीज मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको जो नियर बाय एरियाज है जैसे हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल और सारी कनेक्टिविटी में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो उस एरिया में ये सब कुछ मिल रहा है आपको। तो यहां पर वो एरिया आपको कंसीडर डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपको बजट में भी मिल रहा है, सारी एमिनिटीज भी मिल रही है, सब कुछ फैसिलिटी के साथ। तो यहां पर मेजर रीजन यही होगा कि आपको जो आपका घर मिल रहा है आपके बजट में मिल रहा है। अगर आप 25 लाख रुपए का घर भी ले रहे हो तो आज की तारीख में अगर कोई कम भी कमा रहा है, मतलब अगर जिसकी सैलरी 30-40 हजार रुपए है वो भी आसानी से अपना घर ले सकता है। और उसी के साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बैंक वाले आपको लोन भी दे रहे हैं, तो इसमें आपको फायदा ही फायदा है। और फ्यूचर में आपका कुछ एक घर होगा जो एक आपके एसेट में कंसिडर किया जा सकता है। और दोस्तों मैं कहना चाहूँ कि आप घबराने की जरूरत नहीं, अगर आपकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये भी अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको और भी कम वाले फ्लैट्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये है तभी भी आप आसानी से आपका आपके नाम पे एक घर ले सकते हो, आपका खुद का घर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लैट्स अवेलेबल है वो कम प्राइस वाले भी है। मतलब आपको 15 से 20 लाख रुपये के भी फ्लैट 1 BHK के अवेलेबल है, 20 से 25 भी अवेलेबल है, 25 से 30 भी अवेलेबल है, 30 से 35 और 35 से 40, 40 से 45। तो ये मतलब ये सारे रेंज मैंने आपको बताते हैं जिसमें आपको 1 BHK मिल सकता है, 2 BHK मिल सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको चेकआउट करना है कि आपके बजट में कौन सा घर बैठ रहा है, आपको कौन सा लेना चाहिए आपके हिसाब से, आपको कौन सा एरिया पसंद है, किसी में बालकनी है, किसी में नहीं है, और क्या क्या अमेनिटीज है, किसी में क्लब हाउस है, किसी में क्लब हाउस नहीं है, किसी में स्विमिंग पूल है। तो ये सारे मॉडर्न अमेनिटीज आपको हर बिल्डिंग में मिल रहे हैं, आपको आपको अच्छे से चेकआउट करना है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर बिल्डिंग की, और यहाँ पर अच्छे अच्छे बिल्डर लोग ने भी इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर मैं
नाम लेना चाहूंगा सनटेक का। सनटेक एक वेल नोन काफी पॉपुलर डेवलपर है जिसने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई। तो यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट लिया है नायगांव एरिया में, और नायगांव एरिया में इंटरेस्ट लेने का उन्होंने 22 फ्लोर्स का बिल्डिंग बना रहे हैं यहाँ पर, और काफी अच्छे अच्छे एमिनिटीज दिए हुए हैं। तो यहाँ पर वो बिल्डर ने अगर इन्वेस्ट किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। और इसी के साथ साथ दूसरे बिल्डर की बात करूँ तो आपको जेएसपी ग्रुप का जो नक्षत्र है वो भी बहुत अच्छा टावर यहाँ पे उन्होंने बनाया है। काफी अच्छी टाउनशिप है, अच्छे अच्छे मॉडर्न एमिनिटीज है, आरओ प्लांटेशन दिया हुआ। आरओ प्लांटेशन का मतलब होता है कि आपको जो पानी मिलने वाला है वो भी फिल्टर करके मिलने वाला है। और उसी के साथ ही साथ नक्षत्र की बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल गया है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, वो बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे बिल्डर अगर मैंने याद करूँ तो यहाँ पे ग्लोबल अरीना हो गया, मित्तल इनक्लेव हो गया, साई इनक्लेव, ऑर्नेट गैलेक्सी, ये बहुत अच्छे अच्छे टावर्स है, वो बिल्डिंग बनी हुई आप अच्छे से देख सकते हो आप, और देखने के बाद ही लीजिए। मतलब ये नहीं बोलता कि आप डायरेक्टली जाके पहले मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन वाले ले लीजिए, अंडर कंस्ट्रक्शन का फायदा होता है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वेल नोन बिल्डर से लो, जैसे कि सनटेक नक्षत्र, ये वेल नोन बिल्डर है। मतलब इनका रेरा नंबर आ चुका है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इनका है, लीगली सब कुछ है, तो आप वहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन में ले सकते हो। लेकिन आप जो छोटे मोटे बिल्डर है उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में मत जाइए, क्योंकि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अगर आप अननोन जो नॉन बिल्डर मतलब जो अननोन बिल्डर है जो उनका मार्केट में उतना अस्तित्व नहीं है, या फिर वो शुरुआत कर रहे हैं अभी बस बिल्डिंग बनाने का, या डेवलप में ये बिल्डर लाइन में उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, तो उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो रेरा नंबर जिसका है उसका ही लीजिए, बाकी और कोई भी बिल्डिंग आप कोई भी घर लेने से पहले वहां पर मत कंसिडर करना, क्योंकि रेरा नंबर हमारे जैसे इंडियन कंज्यूमर के लिए ही है। तो आप रेरा नंबर चेकआउट करने के बाद ही उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लिए। और दोस्तों आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप रेडी पोजीशन में लीजिए, एक हाथ से दो एक हाथ से लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगर आप घर ले रहे हो तो आपने आंखों से देखा होगा कि हाँ ये मुझे इतना एरिया मिल रहा है और इसकी मुझे इतनी कीमत देनी पड़ेगी। अंडर कंस्ट्रक्शन में कभी कभी कुछ प्लान्स में ऊपर नीचे हो जाता है, एरिया कम ज्यादा भी हो सकता है, तो उसमें आप उस टाइम पे नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने साइन किया होता है अलॉटमेंट लेटर पे और अग्रीमेंट भी उसी के हिसाब से बना हुआ होता है, तो आप उसमें कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रेडी में ले रहे हो अपनी आंखों से देखो, एक हाथ दो एक हाथ लो, बस बात खत्म, यहाँ पे टेंशन वाली कोई बात ही नहीं होती। तो सेफर साइड जो ऑप्शन होता है वो रेडी पोजिशन का होता है। हाँ ऑफकोर्स रेडी पोजिशन में आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, लेकिन चीज आपको आपकी आंखों से देख के ले सकते हो। अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होने का चांसेस हो सकता है, मैं ये नहीं बोलता कि लेना ही नहीं चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेकार होती है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। और आज के कंस्ट्रक्शन लाइन में काम रुकता ही है, तो अगर आपको समझ लो बिल्डर ने 3 साल का डेट दिया हुआ तो 4 साल आप आराम से मान लीजिए, तो वो भी एक फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा अंडर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी में। दोस्तों यही थी कुछ बातें इस नायगांव एरिया के बारे में, ये क्यों आपको यहाँ पे घर लेना चाहिए, घर लेने का प्लान कर दो यहाँ पे इस एरिया को कंसिडर करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं समराइज करूँ तो यहाँ पर आपको अच्छी चीज क्या मिलेगी, सबसे पहले कि आपका जो घर है आपके बजट में मिल रहा है, आपको ऐसा नहीं कि मतलब महीने की पूरी सैलरी या जितना भी आप कमा रहे हो बिजनेस है सबका सब इसी में डालना है घर के पीछे, और बाद में पर्सनल एक्सपेंसेस वो सब वेस्ट हो जाएंगे, वो सब कैसे देखा जाएगा, तो उस चीज का आपको टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे एक मेजर रीजन है कि आपके घर आपका जो घर मिल रहा है आपके बजट में मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो ईएमआई की कॉस्ट होगी अगर आप रेडी पोजीशन में ले तो वो भी कम आएगी। तो यहाँ पर आपको सर पे टोकरी लेके घूमने का जरूरत नहीं है टेंशन का कि अरे मैंने लोन ले लिया है, रातों की नींद उड़ गई, तो ये चीज से आप दूर हट जाओगे। दूसरी बात, आपको जो घर मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, एरिया बड़ा मिल रहा है, मॉडर्न एमिनिटीज के मिल रहा है, और वेल नोन बिल्डर्स भी वहां पे इन्वेस्ट किए, तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और काफी बिल्डिंग का रेरा नंबर भी आ चुका है, तो रेरा नंबर हमारे इंडियन कंज्यूमर के लिए इंप्लीमेंट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हो कि रेरा नंबर क्या होता है और रेरा किस लिए इंप्लीमेंट किया गया है। और दोस्तों फ्यूचर प्लान की बात करें तो यहाँ पे मेट्रो का एक पिटीशन साइन हो चुका है, जहां पर आपको भाईंदर तक आपको या मीरा रोड तक मेट्रो मिलने वाला है। तो अगर आप समझ लो अंधेरी से ट्रैवल कर रहे हो या फिर बांद्रा से ट्रैवल कर रहे हो नायगांव के स्टेशन के लिए या फिर वहां तक पहुंचने के लिए, तो फिर आप मेट्रो का भी सहारा ले सकते हो, जिसके थ्रू आप इजिली ट्रैवल कर पाओगे एटलीस्ट मीरा रोड या भाईंदर तक। उसके बाद वहां से आप एक स्टेशन की बात है वहां से आप ट्रेन का फैसिलिटी लेके वहां से आप ट्रैवल कर सकते हो, तो ट्रैवलिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो होगी आज की तारीख में 2019 में, अभी कुछ डेवलप नहीं है, स्पेशली आपको ट्रेन का धक्के खाने पड़ेंगे स्पेशली अगर आप वहां पे ले रहे हो। और दूसरी चीज की वहां पे अभी इंडस्ट्रियल नहीं है, मतलब कमर्शियल एरिया नहीं बना है, मतलब वहां पे जैसे अगर एक माइंड स्पेस वहां पे खुल जाए या फिर कोई भी एक बिजनेस एरिया वहां पे खुल जाए या कमर्शियल प्रॉपर्टी खुल जाए ना, तो वहां पे उसका प्राइसिंग ऑटोमेटिकली काफी हाई हो जाएगा। जो उसकी प्राइसिंग है 25 से 30 वाली वो सीधा सीधा 35 से 40 हो जाएगी या 40 से 45 भी हो सकती है। तो ये कुछ मेजर रीजन होंगे वहां पे परचेस करने के, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि
एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आपके फ्यूचर के लिए, आप एक एसेट रेडी करोगे आज की तारीख में 2019 में। तो दोस्तों यही थी कुछ बातें इस नायगांव प्रॉपर्टी के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, तो लाइक जरूर करके जाइए। इसी के साथ शेयर करना, जो लोग नए हमारे हैप्पी गैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, टन 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 टन। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, आईडी हैप्पी गाइड, बाय बाय।